दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमाचल फॉर एवर में। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए जॉब्स की अपडेट। और दोस्तों आज की जो हमारे पास जॉब्स की अपडेट रहने वाली है जल शक्ति विभाग से। दोस्तों आप सबको पता है कि जल शक्ति विभाग में जो है 4500 पदों के ऊपर जो है भर्ती प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे, जिस डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, यह है जल शक्ति विभाग का जो है जुब्बल डिवीजन। दोस्तों जुब्बल डिवीजन में जो है यहाँ पे जो इसका फर्कल पड़ता है, वो फर्कल पड़ता है हमारा रोडू, और डिवीजन का नाम है जुब्बल। दोस्तों जुब्बल डिवीजन में जो है पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर और मल्टीटास्क वर्कर के पदों जो है आवेदन मांग गया। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कितने पद रहने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे पैरा पंप ऑपरेटर के यहाँ पे 22 पद रहेंगे। एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो यहाँ पे आपकी 10वीं पास होनी चाहिए और आपकी जो ITI है इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक ट्रेड में होनी चाहिए, या आपकी 10th विद सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द अबव ट्रेड इन स्किल डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें 18 से 45 वर्ष के बीच बताई गई है। और सैलरी जो आपको दी जाएगी वो 6000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। और इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया गया है कि पोस्टें जो है बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती हैं। अगले हमारे पास दोस्तों यहाँ पद रहेगा पैराफिटर का। यहाँ पैराफिटर के 9 पद रहेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आप 10वीं पास होनी चाहिए और आपकी जो ITI है फिटर या प्लम्बर ट्रेड में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया होनी चाहिए, या आपकी 10th होनी चाहिए और साथ में जो है स्किल डेवलपमेंट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इन ट्रेड में। एज लिमिट के लिए भी सेम रहेगी, सैलरीज के लिए भी सेम रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसके लिए अगला जो हमारे पास पद है वो है MPW यानी मल्टीपर्पज वर्कर। 25 पद रहेंगे और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी आप 8वीं पास होनी चाहिए और एज लिमिट इसमें 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच बताई गई है और सैलरी आपको 4400 रुपये पर मंथ दी जाएगी। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है इसके साथ लगाने होंगे। आपका अकेडमिक एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट हो गया, बोनोफाइड सर्टिफिकेट हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया और BPL सर्टिफिकेट हो गया, या कैटेगरी का सर्टिफिकेट है आपको उसके साथ लगाना होगा। एक्सपीरियंस उन्होंने दोस्तों मेंशन किया है कि JFW, HPPW, CPW, PSU या अदर और सोर्सिंग एजेंसी जिसने अपनी सेवा जो है जल शक्ति विभाग में दी है वही मान्य होगा। और इसका जो है आपके फ्लेक्शन प्रोसेस जो है आपको पता है मेरिट बेस और स्किल टेस्ट के बेस के ऊपर इसकी फ्लेक्शन प्रोसेस होती है। कुछ दोस्तों इस तरह का इसका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। इसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है कहाँ पे सबमिट करना है और क्या इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। दोस्तों आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको सबमिट करना होगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन जुब्बल, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 3 फरवरी 2024 रहेगी। टाइम रहेगा 5 बजे तक का। तो इसको आप दोस्तों बाई हैंड भी जमा करवा सकते हैं और बाई पोस्ट भी इसको जमा करवा सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारे पास जॉब्स की अपडेट। आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी। की जानकारी अच्छी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं सर की नेक्स्ट अपडेट में। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी। Thank you.